जो सामान्य गणित है उसके संभावित मॉडल आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो पर, एक एक क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिएगा और ये जो है पूरी तरह से संभावित रहने वाले हैं, इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। इससे पहले भी कंप्यूटर के जो है संभावित मॉडल आंसर मैं बता चुका हूँ, तो आप उनसे भी मैच करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये जो है सेट सी है। ठीक है, सेट सी के सारे उत्तर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आपका आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं आंसर बताते चलूंगा, 40/3 इसका आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आना चाहिए आपका ऊपर समीकरण। इस समीकरण को हल करने से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कोई हल ना होगा, ये आपका आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 43 का जो राइट आंसर होना चाहिए के किस मान के लिए समीकरण ये जो दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 1/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 70 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों का इसका आंसर आ गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सबसे कम से शुरू कर संख्याओं का को जो है बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है 48, एक लड़का अपने सामान्य चाल से, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 75/4 होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49, तो ये जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। एक साइकिल की कीमत, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 850, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 500 मीटर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं, यदि एक बेलन की त्रिज्या, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 520 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 गुना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर m+1/m, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी संख्या का 40%, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12.5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि, तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 6 इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए संभावित वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा 553.5 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समरूप त्रिभुज त्रिभुज पी की वार, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 240। नेक्स्ट है 500 से 1000 के बीच 6 विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 83। मान ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 66 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा यहाँ पर
144/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 68, तो 68 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 402 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, तो 69 किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 800 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से